सबका हो गया शूट, सबका इंटरव्यू तो नहीं, मतलब कुछ सब ऐसी सबको देना भी नहीं चाहता है। हाँ। बोल देते हैं ये लोग आते हैं अपना नाम जब क्या, कुछ लोगों का मैं पर्सनली इंटरव्यू करवा देता हूँ, जैसे पर्यावरण में 2 मिनट का मुझे जाना है श्री फोर के वही प्रोग्राम में 4 बजे ये लोग का करेंगे तो 2 मिनट ये आएंगे तो बोल देंगे। सरकार की गलतियां क्या क्या हैं? दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे प्रगति मैदान पे हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट एक्सपो 2022। हमारे साथ काफ़ी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो लोग इसमें प्ले काज आपने देखा है कि ये लोग सब होल्ड कर रहे हैं नो पोल्यूशन और कचरे के बारे में। यहाँ पे सुबह गवर्नर साहब आए थे और जो उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और कुछ संस्था आए हुए हैं हैदराबाद से, काफ़ी जो हैं जो लोग जागरूक लोग हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की भी लेडीज़ का हमने इंटरव्यू किया। तो अभी ये जो है, आपका क्या नाम? रेनू। रेनू आप क्या करती हैं? रेनू स्टडी। स्टडी कहाँ पे कर पढ़ रही हैं? कॉलेज। अच्छा, कौन से कॉलेज में? मिरांडा हाउस। मिरांडा हाउस में क्या करती हैं, कौन सा सब्जेक्ट? बी ए प्रोग्राम। फर्स्ट ईयर? यस। अभी हो गया आपका एडमिशन? हाँ हो गया एडमिशन। अच्छा, मैंने कहा आपने शायद एक वो बनाया कि मेरा एडमिशन अभी लोग अभी तो खुले नहीं, नहीं है ना। हो गया फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाला। ठीक है, आपका नाम? अभिषेक सिंह। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? मैं जॉब कर रहा हूँ हैदराबाद में, डेवलपर पोस्ट पे। डेवलपर पोस्ट। आपने इंजीनियरिंग कहाँ से किया है? मैंने नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा से किया हुआ है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये दोनों स्टूडेंट्स हैं और ये दिल्ली की प्रेस्टिजियस गर्ल्स कॉलेज है मिरांडा हाउस, उसमें पढ़ रही हैं। तो आपके कॉलेज में आप लोग कैसे अपना माहौल को क्लीन रखते हैं? स्वच्छ भारत अभियान चल रखा है, उसके थ्रू तो कॉलेज में तो सफाई रहती है, और जैसे हम लोग कुछ खाते वाते तो उसको डस्टबिन में ही करते हैं। अच्छा, ये नहीं रहता कि टेबल पे छोड़ दिया? नहीं, नहीं, नहीं। नॉर्मली जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ, तो वो क्या करते हैं, टेबल पे ही छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं हम 5 स्टार में आए हैं और छोड़ देंगे वो, और वो टेबल पे क्लीन भी गंदा भी करेंगे। मैं हरदम उनको बोलता हूँ कि आप प्लेट उठाइए और जहाँ पे प्लेट की जगह डेजिग्नेटेड है वहाँ पे रखिए। ऐसे घर में भी हम खा के प्लेट ही तो धोने रखते हैं, कोई उठाता तो है नहीं, तो ऐसे हमें 5 स्टार और सब में हमें फॉलो करना चाहिए। और क्या मैसेज आप देना चाह रही हैं आज जो पर्यावरण दिवस? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हम लोग जब आसपास के एनवायरनमेंट साफ रखेंगे तभी तो पूरा देश साफ होगा, वैसे भी इतना पॉल्यूशन वगैरह ये सब बढ़ रहा है। और आप क्या बोलेंगे? मैं तो ये बोलता हूँ कि मैं एक्चुअली मेरे कॉलेज से खुशियाँ बांटो क्लब है, उसी के थ्रू हम लोग एनजीओ चलाते हैं, पर्यावरण के बारे में बताते हैं। आप ये देख रहे होंगे कि आजकल 10% से ऊपर लोग हार्ट अटैक की वजह से मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? यंग पीपल मर रहे हैं, 40 से 60 के बीच वाले लोग मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि एयर पॉल्यूशन उन्हें अच्छी नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन। तो इसके लिए हम यंग्स को ही आगे बढ़ना पड़ेगा, पेड़ लगाने पड़ेंगे जिससे आगे का पॉल्यूशन अच्छा हो, जो सीमेंट्स वगैरह हैं उन्हें कुछ चीज़ें तक कम करना पड़ेगा। प्लास्टिक, आजकल प्लास्टिक यूज़ तो हो रही हैं, बैन है, लेकिन आजकल हम दूध के पैकेट्स, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, बिस्किट्स प्रोडक्ट्स हैं, वो किस चीज़ में आप ले रहे हैं? एज आ पॉलीथीन के ही रूप में ले रहे हैं, तो पॉलीथीन आप कैसे कह सकते हैं कि बैन है? सबसे बड़ी चीज़ है जो देश के जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो दूध आ रहा है, चाहे कोई भी मिल्क है, चाहे अमूल है, जो बोलते हैं अमूल कोऑपरेटिव है, जिन्होंने पीछे दिनों में पेट्रोल के रेट बढ़ने से दूध का रेट 2-2 रुपये किलो बढ़ाया, और अब जब एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल की कम हुई तो उन्होंने उसका रेट रोल बैक नहीं किया, तो वो दूध भी पॉलीथीन में ही आ रहा है। बीच में तो बल्कि बंद हो गई थी पॉलीथीन, बैन हो गई थी, बट फिर दोबारा रिसाइकल। पॉलीथीन में, जैसे आपने बोला है कि पॉलीथीन में ही दूध आ रहा है, और कितने प्रोडक्ट्स हैं, तो दूध में समझ रहा हूँ वो ठीक है, माइक्रोन उसका कुछ ज़्यादा है, लेकिन आफ्टरऑल पॉलीथीन टॉक्सिक है, अगर फूड ग्रेड भी है। जैसे हम जब पेट बॉटल्स इस्तेमाल करते हैं तो बोलते हैं ना कि लिमका की बॉटल है या कोको कोला की बॉटल है, अगर आप उसमें घर में पानी पी रहे हैं तो वो आपको लेटर ऑन कुछ बड़ी बीमारी हो सकती है। तो आपका क्या संदेश है आज? सिंपल सी बात है कि इस पे तो गवर्नमेंट को ही काम करना पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट लॉन्च होता है, वो उस चीज़ में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तक लोग अगर बाहर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तक यूज उसे कर रहे हैं। अगर मान लो अगर इतनी गर्मी में बाहर कोई इंसान जा रहा है, उसे प्यास लगेगी, कौन सी प्लास्टिक की बोतल में ही पानी पिएगा? अभी पीछे दिनों में हम लोग क्योंकि मिनिस्ट्री कवर करते हैं, तो जब इन्होंने थोड़ा सा फोर्स में लाइक के आए थे तो कांच की बॉटल सब जगह शुरू कर दिया था, या फिर डिस्पेंसर से आप डिस्पोजेबल
पेपर कप में पी रहे थे, लेकिन थोड़े दिनों में कोरोना हुआ, कोरोना के बाद तो लोग ऐसे हो गए कि जैसे बेलगाम घोड़ा, कि मतलब जिसको जो मन कर रहा है सब जगह वो, आप जो बोल रहे थे प्रॉब्लम्स बहुत हैं, अनेक हैं। और हम लोग आज जब यहाँ पे आए हैं तो जो यंग क्राउड है, जैसे ये हैं, ये हैं, तो ये लोग ही फ्यूचर टॉर्च बेयरर्स हैं नेशन के। और मैं आज, मुझे खुशी है इस बात की कि ये लोग काफ़ी जागरूक हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर हम किसी का भी इंटरव्यू करेंगे तो वो शायद कैमरे के सामने आने के बाद कुछ बोल देते हैं लेकिन लाइफ में फॉलो नहीं करते। तो मेरे को एक पहला ऐसे लोग मिले जो फॉलो भी कर रहे हैं। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर आप प्लास्टिक बैन कर रहे हैं और ऊपर से आप बोल रहे हैं कि हम पेपर्स वगैरह में दे रहे हैं, तो पेपर्स के लिए आप वुड काटेंगे, लेकिन वुड कहाँ लगा रहे हैं आप? पेड़ लगा रहे हैं, सरकार पेड़ लगा रही है, जंगल गायब होते जा रहे हैं। पेड़ लगाएंगे, 10,000 पेड़ लगेंगे दिन में, तो बहुत सारे पेड़। मैंने जंगल गायब होते देखा लेकिन जंगल बनते नहीं देखा है। हम ग्रीनरी हम बोलते हैं कि ग्रीनरी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो आजकल हमारी आवश्यकता बन गई है। तो अब ये मैसेज मैं आपको देना चाहूँगा कि आप अपने घर के आसपास जहाँ भी कोई बाग है, जहाँ अपने घर में अगर आपके पास जगह है, जब अगर ऊपर की मंजिल पर रह रहे हैं तो कोई पेड़ पौधा अपने घर में भी उगाइए। और इंडोर प्लांट्स के अलग फ़ायदे हैं, जैसे स्पाइडर प्लांट है, आ जाइए भाई सब, आप भी आ जाइए। तो इंडोर प्लांट्स के अलग फ़ायदे हैं, आप बोलिए जी सर, आइए ना। हमारे साथ एक और जागरूक नवयुवक हैं, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम जयवीर है और मैं हरियाणा से। अच्छा, कहाँ से? हरियाणा जी, मैं हरियाणा में झज्जर से हूँ, गांव मेरा विलेज पाटोदा है। क्या करते हैं अभी आप? जी मैं यहाँ पे कोचिंग करता हूँ दिल्ली में, मुखर्जी नगर। अच्छा, SSC की। ओके, अभी तो ये एग्जाम थे आज सिविल सर्विसेज के। जी सर, आज UPSC का एग्जाम था सर, बच्चों का सर, मेरा एग्जाम नहीं था सर, UPSC का एग्जाम। अभी आपके भी कोई दे रहे हैं? हाँ, मेरे सर दे रहे हैं, ट्यूशन वाले। अच्छा, क्या नाम उनका? वसीम अकरम। अच्छा, तो वो पहला उनका फर्स्ट टाइम है? हाँ, फर्स्ट टाइम। चांस है उनका? हाँ, चांसेस तो हैं। वो क्या कोचिंग करते हैं? नहीं, हाँ मतलब हमें ट्यूशन पढ़ाते, वैसे उन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली। अच्छा, UPSC का आज उनका एग्जाम है। ठीक है, आपका जो मैसेज है वेट सर, मैं बताना चाह रहा हूँ सर। सर, ये हमारे MLA हैं यहाँ के तमिलनाडु से, कृपलानी नटराजन जी, उन्होंने स्टार्टअप किया है। अच्छा। जिस कंपनी का नाम है KGB, कलपति गार्बेज बम्प ऑफ। सर, इसका मतलब है कि आपका कैसा भी वेस्ट हो, जैसे कि सॉफ्ट वेस्ट हो, हार्ड वेस्ट हो, हार्ड वेस्ट में जैसे कि होता है कि मेटल्स वगैरह हो गए, ठीक है, मेटल्स और भी बहुत सारे हार्ड वेस्ट में आ जाते हैं, और जैसे कि क्लोथ्स वगैरह हो गए सॉफ्ट वेस्ट में, और घर की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और पॉलिथीन्स वगैरह, इन सब का मैनेजमेंट होता है इसके थ्रू, और यही हमारा फ्यूचर है, क्योंकि इससे हमारा एनवायरनमेंट में। आप अपने शहर में, अपने गांव में, जी जी, झज्जर में आपको लगता है कि लोग अपना, हाँ, एक्सेप्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहेंगे, अगर ये प्रोवाइड किया जाए तो, समझ रहे हो, मतलब कि जैसे कि लोगों के पास वेस्ट तो होता है लेकिन ये नहीं है कि उसको पहुँचाए कैसे जाए, समझ रहे हो, लेकिन कोई आप सिगरेट पीते पीते हैं आप, तो आप सिगरेट को कहाँ पे डिस्पोज करते हैं? सर, मैं डिस्पोज करने के लिए सर मैं ऐसे ही फेंक देता हूँ, क्योंकि सिगरेट एक बायोडिग्रेडेबल है, उसको पेड़ पे फेंक दो, जमीन पे फेंक दो, डिग्रेड हो जाएगी। मेरे को लग रहा है कि आपसे खतरनाक आदमी इस देश में नहीं है जिसका मैंने इंटरव्यू करा, क्योंकि सिगरेट में अगर आप गाड़ी में मैं चला रहा हूँ और मेरे आगे वाली गाड़ी वाला सिगरेट पी के वो फेंक दे रहा है, तो उसमें जो माचिस सी वो बन के दूसरी की गाड़ी में आग लग सकती है। तो सर वो तो आप तो एक जागरूक सज्जन नहीं लग रहे मुझे, मैं भी गलती से मुझे, हाँ, तो आप सिगरेट छोड़िए। हमारा जो कैंपेन चल रहा था इसमें हम लोग ज़्यादातर, मेरी उम्मीद थी कि नॉन स्मोकर, नॉन ड्रिंकर, और आप मीट मच्छी भी नहीं खाएं। सर ठीक है, इससे हम जानवर को सर हम जानते हैं कि सिगरेट, अल्कोहल, इनसे आप अपन क्यों पीते हैं, इसी पे चर्चा कर लेते हैं, क्यों पीते हैं सिगरेट? सर वो लत होती है सर, एग्जैक्टली मैं वो छोड़ना भी चाह रहा हूँ सर। बात मुद्दा ये नहीं है कि मैंने सिगरेट कब स्टार्ट, देखो सवाल अच्छा है ये कि अपनी गवर्नमेंट सिगरेट को अप्रूव क्यों कर रही है, क्यों अल्कोहल को अप्रूव कर रही है? वो जो सिगरेट की डब्बी पे जो फोटो होती है, इतना ज्यादा वेट टैक्स मिलता है कि समझ रहे हो, और सरकार सरकार अपने रुपए के अलावा और कुछ नहीं देखती, लोग बाग की हेल्थ वगैरह और कुछ मैटर रखता हो, उनके लिए कुछ मैटर नहीं है।
समझ रहे हो, ये छुड़वाने का बीड़ा उठाता हूँ कि आप छुड़ेंगे सर, मैं वो आप नहीं उठा सकते, वो मेरे खुद अंदर से मैं खुद ही छोड़ सकता हूँ। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ जो खड़े हैं और ये लोग नहीं पी रहे सिगरेट है ना, और वैसे हमारी फैमिलीज में भी वेजिटेरियन सर, मैं दोनों ये क्योंकि हरियाणा से हैं तो हरियाणा नहीं 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 मैं भी हरियाणा से ही हूँ, लेकिन मेरे को लगता है गर्व कि मैं हरियाणा से। हमें आज बात करना है अपने एनवायरनमेंट पे, एनवायरनमेंट बस उसी पे बात करना है। सिगरेट जब सिगरेट आप पी रहे हैं आपको ये सुनिए, एनवायरनमेंट में एक बड़ी चीज है वो स्मोकिंग, जब आप सिगरेट पीते हैं तो मेरे लंग्स में भी वो धुआं जाता है, तो एनवायरनमेंट तो मैं शुद्ध नहीं रख रहा ना। हाँ तो सर एक्चुअली मैं छोड़ दूँ और मैं गवर्नमेंट को वो भी लेटर भी डाल दूँ कि प्लीज़ अल्कोहल और सिगरेट के लिए बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको इनका टैक्स मिलता है, वो बात सही है, और जगह से भी टैक्स आ सकता है, लेकिन टैक्स के लिए आप पब्लिक की हेल्थ डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, समझ रहे हो। धन्यवाद।